गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर इंग्लिश रीडर हनीडू बुक्स फोर्थ चैप्टर विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी पार्ट फोर पेज नंबर 67। लेट्स सी गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले सुबह रांची में ट्रेन से उतरकर जब डॉक्टर चंदा विपिन चौधरी से कहते हैं कि उन्हें एक बार रांची फिर से जाना चाहिए और वहाँ जाकर आसपास के जो साइट्स हैं, दृश्य हैं, उनको देखना चाहिए, हो सकता है कि उन सबको देखकर उन्हें कुछ याद आ जाए, तो विपिन चौधरी उसी दिन टिकट लेकर रांची चले जाते हैं। और जब वे रांची पहुँचते हैं अगले सुबह तो उसका आगे क्या होता है, तो उसका मेंशन इस फोर्थ पार्ट में किया गया है। देखिए, अगली सुबह ट्रेन से रांची पहुंचकर और ट्रेन से उतरकर ही रियलाइज उन्होंने महसूस किया दैट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जब वे रांची पहुंचे और उन्होंने वहां देखा तो उनको ऐसा लगा कि वे यहां पर पहले कभी नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वे स्टेशन से बाहर आए, टुक ए टैक्सी, एक टैक्सी ली एंड ड्रोव राउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और वो बहुत समय तक शहर के चारों तरफ उस टैक्सी से चक्कर लगाते रहे। वे देखते रहे कि शायद हो सकता है कि आसपास के दृश्य देखकर उन्हें कुछ याद आ जाए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स द बिल्डिंग्स द होटल्स द बाजार्स द मोराबड़ी हिल विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। उन्होंने महसूस किया कि द स्ट्रीट्स गली द बिल्डिंग्स भवन द होटल्स द बाजार और मोराबड़ी हिल ये सब उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा। इट मीन्स वे थोड़े से भी इन सब चीज़ों से परिचित नहीं थे। वुड ए ट्रिप टू द हुडरू फॉल्स हेल्प, क्या वे सोचते हैं इसके बाद में कि क्या हुडरू प्रपात जलप्रपात है उसकी यात्रा मेरे लिए इसकी हेल्प करेगी, क्या मेरी ये जानने में हेल्प करेगी कि मैं यहाँ आया था या नहीं आया था। ही डिड नॉट बिलीव टू बट एट द सेम टाइम उनको विश्वास नहीं हुआ लेकिन उसी समय ही डिड नॉट विश टू लिव, उन्होंने उनकी यह छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हुई विद द फीलिंग इस भावना के साथ दैट की ही हैड नॉट ट्राइड एनफ कि उन्होंने काफ़ी प्रयास नहीं किया कि वे जो रांची गए थे वहाँ से वे वापस इसलिए नहीं आना चाह रहे थे कि पहले वो सब जगह जा कर के प्रयास तो कर ले ताकि वहाँ जाने के बाद कहाँ जब वे वापस अपनी सिटी जाएं तो वहाँ जाकर उन्हें ऐसा नहीं लगे कि मैंने कोई स्थान ऐसा छोड़ दिया है या फिर मैंने वहाँ जाकर पर्याप्त रूप से अपनी कोशिश नहीं की है। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुडरू इन द आफ्टरनून, इसलिए उन्होंने एक कार की व्यवस्था की और उसी दोपहर वे हुडरू के लिए चले गए। हुडरू क्या है, रांची में एक जलप्रपात है। नेक्स्ट एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर को 5 बजे इन हुडरू में टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकर्स, एक जो पिकनिक के लिए आए हुए थे एक समूह में उसमें से 2 गुजराती सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने डिस्कवर्ड मीन्स पाया विपिन बाबू लाइंग अनकंसियस बिस्टाइड ए बाउल्डर। बाउल्डर मीन्स होता है एक बड़ा सा पत्थर, एक बड़े से पत्थर के पास में 2 गुजराती व्यक्ति थे, उन्होंने विपिन बाबू को बेहोश पड़ा हुआ पाया। वैन जब ही केम राउंड, जब उनको होश आया तो द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड, तो जो पहली बात विपिन बाबू ने कही वो क्या कही थी, बॉच आई एम फिनिश्ड, जो बात कही थी वो क्या थी, आई एम फिनिश्ड, मैं बर्बाद हो गया हूँ, देयर इज नो होप लेफ्ट, अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। कि पहले तो उनकी ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि मैं रांची जाकर देखूँ और मुझे वहाँ देख करके सब कुछ याद आ जाए, लेकिन जब फिर रांची चले गए और सब जगह उन्होंने प्रयास किया लेकिन फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं आया, तो इसके उनसे यह उम्मीद या फिर उनको ऐसा लगा कि अब मेरे पास सब कुछ बर्बाद हो गया है, मेरे पास कोई भी उम्मीद अब नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह विपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, विपिन बाबू वापस अपने शहर कलकत्ता में आ गए थे।
ही रियलाइज्ड, उनको महसूस हुआ दैट की देयर वॉज ट्रूली न्यू होप फॉर हिम, कि वास्तव में अब उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्दी ही वे अपना सब कुछ खो देंगे। ही विल टू वर्क अपना कार्य, हिज कॉन्फिडेंस उनका विश्वास, हिज एबिलिटी उनकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड और अपना मानसिक संतुलन। तो विपिन बाबू को अब ऐसा लगने लग जाता है कि अब धीरे धीरे मैं अपना सब कुछ खो दूंगा, अपना कार्य, अपना विश्वास, अपनी योग्यता और अपना मानसिक संतुलन। वॉज ही गोइंग टू एंड अप हिज इन द एसिलम एट, और वे सोचते हैं क्या मेरे आखिरी दिन, आखिरी दिन मतलब है कि जब मैं मौत होगी या मृत्यु होगी, जब तक का जो अंतिम समय है, क्या मेरा वो ये जो डॉट डॉट कर रखा है इसका मतलब है, आगे वे अपनी बात कहते हैं कि क्या मेरा वो सब एक मानसिक अस्पताल में होगा अंतिम समय। पूछते हैं कि जब मेरा माइंड बैलेंस ऑफ माइंड मानसिक संतुलन खो जाएगा तो क्या मुझे पागलों के अस्पताल में अपने अंतिम दिन बिताने पड़ेंगे। तो विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, और विपिन बाबू इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोच सके। बैक होम वापस अपने घर आकर ही रहेंगे अब डॉक्टर चंदा। उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उनको अपने घर आने के लिए कहा। देन आफ्टर ए शोवर, और इसके बाद कुछ स्नान करने के बाद ही गोट इन टू बेड विथ ए आइस बैग। इसके बाद उन्होंने स्नान किया और वे अपने बेड पर थोड़ी सी बर्फ लेकर के लेट गए। आइस पैक क्लेम्प्ड ऑन हिज हेड, अपने सिर पर थोड़ी बर्फ रख करके वे बेड पर लेट गए। जस्ट देन ही द सर्वेंट ब्रोट हिम ए लेटर, इसके बाद नौकर एक पत्र लेकर आया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, उस पत्र को किसी ने लेटर बॉक्स में रख रखा था। एक ग्रीनिश एनवलप, एक हरा सा लिफाफा था विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और उसके ऊपर लाल शही से विपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था। तो देखिए वो जो लेटर है वो किसके लिए था, विपिन बाबू के लिए था। और किसने लिखा था, उनका जो फ्रेंड था चुन्नी लाल जो उनसे मिलने आया था, उसने वो लेटर लिखा था। तो देखिए फिर क्या होता है, वो चुन्नी लाल है वो क्या लिखते हैं इसमें, अबोव द नेम इट सेड, और इसके ऊपर एक नाम तो लिखा ही था और उसके अलावा क्या लिखा हुआ था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंटियल। अर्जेंट मीन्स अत्यावश्यक और कॉन्फिडेंटली मीन्स गुप्त, गुप्त है ये कि ये अत्यावश्यक है और बहुत ही गुप्तनीय या गोपनीय है। स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उनकी स्थिति के बावजूद, उनकी खराब स्थिति थी उसके बाद भी विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought to go through the letter। उनकी स्थिति खराब थी फिर भी विपिन बाबू ने सोचा कि मुझे इस पत्र को पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप, उन्होंने लिफाफे को फाड़ा एंड took out the letter, उसमें से पत्र निकाला। दिस इज वॉट ही रीड, उस पत्र में क्या लिखा हुआ था अब जब उन्होंने पढ़ा तो देखिए क्या पढ़ा। डियर विपिन, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई भी विचार नहीं है दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन। चुन्नीलाल हैं जो विपिन बाबू को क्या कहते हैं पत्र के माध्यम से कि प्रिय विपिन मुझे विचार भी नहीं है, इट मीन्स मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी खुशहाली के दिन तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कर देंगे। खुशहाली के दिन से मतलब है कि विपिन बाबू बहुत अच्छा कमाते थे और बहुत ही अमीर थे, तो उनका जो फ्रेंड था चुन्नीलाल वो उनसे कहता है, क्योंकि चुन्नीलाल के पास कोई भी काम नहीं था और वो बीच में आपने देखा कि चुन्नीलाल उनसे काम के लिए मिलने भी आता है लेकिन विपिन बाबू अपनी परेशानी की वजह से उनसे उन्हें काम भी नहीं देते और उनसे बचना चाहते हैं, तो इसका बदला वो चुन्नी लाल निकालते हैं। उनसे गुस्सा आ जाता है और वे क्या कहते हैं कि मुझे सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी खुशहाली के दिन तुम्हें इतना बदल देंगे और तुम्हें इतना बदलाव तुम्हारे अंदर ला दिया है। वॉट वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, क्या तुम्हारे लिए एक पुराने मित्र की सहायता करना इतना कठिन हो गया है। डाउन ऑन हिज लक, और अपने भाग्य पर छोड़ दो। आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है, ऐसा कौन कहता है, चुन्नीलाल कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो संसाधन है वो काफ़ी सीमित हैं। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास यदि कुछ है तो क्या है, सिर्फ अपनी इमेजिनेशन, इट मीन्स कल्पना
है ए पार्ट ऑफ विच उसी के एक भाग से आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। अनफीलिंग मीन्स होता है तुम्हारे संवेदनहीन व्यवहार पर मैंने अपनी बदले की भावना से प्रेरित होकर ऐसा किया। कैसा किया? जो उनको रांची जाने के बारे में झूठी बात बताई वो किसने बताई थी? ये चुन्नीलाल ने ही बताई थी। इसी का पूरा घटनाक्रम था कि जो चुन्नीलाल था उसी ने उस परिमल घोष को कहा था, और उसके बाद में सभी व्यक्ति जो आसपास के थे उनको इस चुन्नीलाल ने ही गलत मतलब अपनी पूरी प्लानिंग की थी, क्योंकि जो विपिन बाबू थे वो इसको जॉब देने में या फिर किसी प्रकार से इसकी हेल्प नहीं कर रहे थे। तो इससे बदले की भावना से प्रेरित होकर चुन्नीलाल ने ये रांची जाने की झूठी यात्रा का प्लान बनाया था। और लास्ट में जब वे वापस रांची जाकर आ जाते हैं और बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं, तो चुन्नीलाल उनको अपनी रियलिटी बताता है कि मैंने बदले की भावना से प्रेरित होकर ऐसा किया है। सच तो ये था कि विपिन बाबू सच रियल में ही कभी रांची नहीं गए थे, लेकिन जब उनको बार बार लोगों के द्वारा बताया जाता है तो वे परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसे लगने लग जाता है कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूँ। वेल ठीक है, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। चुन्नीलाल कहते हैं कि ठीक है लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। ए नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग प्रेस बीइंग कंसीडर्ड बाय ए पब्लिशर। मैंने एक उपन्यास लिखा है और अब इसे किसको दे दिया है? प्रकाशक को दे दिया है। चुन्नीलाल कहते हैं कि मैंने एक उपन्यास लिखा है और अब उसे एक प्रकाशक को दे दिया है। इफ ही लाइक्स इट एंड अब यदि यह उपन्यास उनको पसंद आ जाता है तो इट शी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगले कुछ महीनों में यह मेरे लिए काफ़ी मददगार होगा। इट मीन्स जब वो उपन्यास उनका छप जाएगा तो उन्हें इससे काफ़ी पैसे मिलेंगे और जॉब भी मिल जाएगी। योवर्स चुन्नीलाल चुन तुम्हारा चुन्नीलाल। तो ऐसा उस लेटर में लिखा होता है और चुन्नीलाल अपनी रियलिटी बता देता है उसको। तो उसके बाद में क्या होता है, देखिए व्हेन डॉक्टर चंदा केम। उसके बाद जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो विपिन बाबू सेड, विपिन बाबू ने कहा उनसे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। क्योंकि उनकी परेशानी यही तो थी, उन्हें लग रहा था कि मैं अब कभी रांची गया ही नहीं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं रांची जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या मेरा मानसिक संतुलन खो गया है, मैं पागल हो गया हूँ। तो यही सोचकर उनकी हालत ऐसी खराब हो जाती है। लेकिन उन्हें जब रियलिटी पता लग जाती है तो वे ठीक हो जाते हैं। और उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। जब वे घर आता है डॉक्टर चंदा तो विपिन बाबू कहते हैं मैं ठीक हूँ, इट ऑल कम बैक एज सून एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची। और वे कहते हैं कि जैसे ही मैं रांची पहुँचा तो ट्रेन से उतरते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। ऐसा तो झूठ बोल देते हैं डॉक्टर चंदा से। ए यूनिक केस, यह एक अनोखा मामला है, अजीब मामला है, सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन ए मेडिकल जर्नल, मैं इसे अपनी जो चिकित्सा की पत्रिका है उसमें एक लेख लिखूंगा। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर चंदा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, इसका कारण कि मैंने तुम्हें वहाँ क्यों भेजा, क्यों बुलाया है। विपिन बाबू ने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, इसका क्या कारण है। देखिए पहले तो उन्हें जो डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया था विपिन बाबू ने, वो इसीलिए किया था कि वो अपनी प्रॉब्लम जो उनकी ख़राब दशा थी उनके बारे में बताना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें वो लेटर मिल जाता है तो उस लेटर को रियलिटी जानने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। अब लेकिन जब डॉक्टर चंदा आ ही गए हैं उनके पास में तो वे बताते पूछते हैं कि क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो विपिन बाबू कहते हैं कि मुझे तो याद तो सब कुछ आ गया है लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है इज दैट आई हैव ए पेन इन द हिप। हिप मीन्स वैसे होती है, देखिए ये पैर का ऊपरी भाग होता है। तो ये कहते हैं कि मैं रांची में गिर गया था तो वहाँ इसलिए मेरे पैर में दर्द है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, इसलिए आप मुझे कोई दर्द निवारक मीन्स जो दर्द को रोकने वाली कोई दवा है तो वो दे दीजिए। तो सत्यजीत रॉय के द्वारा, ये इसके ऑथर है सत्यजीत रॉय इस चैप्टर के, उनके द्वारा ये चैप्टर लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे और आपको उसका वर्क भी सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ चैप्टर, तो इसे रीड करें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके थैंक्स।